सो हाय फेलर्स, चेंगो हियर। सो गाइस, मुझे काफी दिनों से आपके रेगुलर कमेंट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग कि सीजन 14 आने वाला है यार, बट सीजन 14 की लीक्स नहीं आई अभी तक कुछ। सीजन 14 में आखिर क्या आने वाला है? तो गाइस, अभी बहुत ज्यादा लीक्स तो नहीं आई है, पर मेरे पास एक ऐसी लीक आई है जो एक्चुअल में बहुत बड़ी लीक है एंड आप लोग उसका काफी वेट कर रहे थे सुनने का। दैट इट इज 99% कंफर्म कि सीजन 14 रॉयल पास के अंदर हमें M416 की स्किन देखने के लिए मिलने वाली है। तो गाइस, उसके रिगार्डिंग आपको इस वीडियो में बताऊंगा एंड बताऊंगा किस पोजीशन पे आपको वो मिल सकती है। साथ ही साथ गेम के अंदर अभी रिसेंट में एक न्यू फीचर ऐड हुआ था जिसका नाम था गन क्राफ्ट, एंड इसके अंदर अभी हमें दो ही गन्स देखने के लिए मिलती थी जो कि थे S12 के एंड स्कारल की, बट इसके अंदर दो काफी कमाल की और गन्स आने वाली हैं जो कि है वेक्टर एंड डीपी। उनको हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ उनके साथ आपको कौन सी अटैचमेंट्स मिलने वाली हैं, क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं जिनसे आप इसको क्राफ्ट कर सकते हो, वो भी लीक्स आ चुके हैं, वो भी इस वीडियो में देखेंगे। एंड इस गेम में आने वाले कुछ काफी कमाल के न्यू क्रेट्स जिनका नाम है बैंड पैक, एंड वो पहले भी एक बार आ चुके हैं, एंड उसके अंदर काफी नई नई चीजें हमें फिर से मिलने वाली है, वो कौन सी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाए, मेक श्योर वीडियो को लाइक करें अप्रिशिएट करने के लिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसा कमाल का अमेजिंग कंटेंट देखते रहने के लिए। विड्रॉल किसी भी प्लेटफॉर्म अपने बैंक में, पेटीएम में, गूगल पे, फोन पे। सो गाइस, मैंने लिंक नीचे दिया है, जाओ अभी साइन अप करो एंड यूज करो कोड स्टैंगो फॉर 7,000 रुपीज कैश बोनस। सो गाइस, इन द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो, आई नो आप लोग काफी एक्साइटेड हो जानने के लिए सीजन 14 रॉयल पास के अंदर आने वाली स्किन्स के बारे में। सो बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भी काफी ज्यादा लीक्स तो नहीं आई है, पर एक काफी मेजर लीक आ चुकी है जो कि है M416 की कंफर्मेशन दैट इट इज इन सीजन 14 रॉयल पास, जो कि काफी बड़ी बात है। तो फिलहाल अभी उसकी स्किन तो नहीं आई है क्योंकि आपको पता है बीटा के अंदर थोड़ी लेट ऐड करता है पबजी वाले, बट बेसिकली उसका हम लोगों को नाम देखने के लिए मिल जाता है जिसका नाम है डैसलिंग यूथ M416 स्किन। फिलहाल अभी इसकी स्किन ऐड नहीं हुई है, मींस टेक्सचर ऐड नहीं हुआ है, बीटा के अंदर थोड़ा लेट ही होता है, आप लोगों को ये चीज पता है। बट जो सबसे रिलैक्सिंग चीज है वो ये है कि फाइनली यार पिछले 3 सीजन खराब करने के बाद, बेकार स्किन देने के बाद, हम लोगों को इस बार कोई अच्छी स्किन मिल सकती है जो कि है M416 की स्किन, एंड ये चीज 99.9% कंफर्म हो चुकी है। एंड रही बात जो कंफर्मेशन 100% की, वो टेक्सचर साथ ही पता लग जाएंगे जो नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा इसी चैनल पे, तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके रखो वरना मिस कर दोगे। एंड आप लोगों को पूछोगे कि इसकी कौन सी पोजीशन हो सकती है, मींस आरपी में हमें ये कहां मिल सकती है, तो यार आप लोगों को पता है M4 की स्किन है तो सबसे ज्यादा मेन स्किन होगी, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट अपने एक्सपीरियंस से ये चीज मैं बता सकता हूं कि 90 से 95 मींस या 90 नंबर या 95 पे, इन दोनों नंबर्स में से एक नंबर पे ही आपको ये देखने के लिए मिलेगी, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं हो सकता। ये मैं 110% आपको कह सकता हूं 90 या 95। एंड आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, एंड कितने एक्साइटेड हो इसके लिए ये भी। आफ्टर इट गाइस, अगर आपको याद हो भी रिसेंटली गेम के अंदर एक काफी कमाल के न्यू क्रेट्स आए थे जिनका नाम था बैन पैक क्रेट्स, एंड उनका मेनली काम ये होता था कि हम लोग एजी करेंसी से अपने किसी भी आइटम को बैन कर सकते थे जिसको हम लेना नहीं चाहते थे, एंड वो वाला आइटम फिर नहीं निकलेगा। बट हालांकि किसी का फायदा हुआ नहीं था इन क्रेट से, बट द लेटेस्ट रिपोर्ट्स आर कि वो जो क्रेट्स है फिर से वापस आने वाले हैं गेम के अंदर, एंड वो वाले क्रेट्स कुछ इन स्टफ्स के साथ आएंगे। मैं सबके नाम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाला हूँ, आप लोग देख सकते हो ये सारे मिथिक आइटम है, एंड उसके बाद लेजेंडरी आइटम्स हैं, अलग अलग टाइप के आइटम्स हैं, ये सारे के सारे वही आइटम हैं जो किसी ना किसी सीजन आ चुके हैं, सीजन 8 सीजन 9 सीजन 10, एंड यहां पे ये जो आइटम्स हैं वो फिर से आएंगे इस वाली क्रेट के अंदर जो कि बैन पैक क्रेट आएगा। एंड किसी ने भी अगर इनको लेने का कभी भी मन बनाया हो एंड वो ना ले पाया हो उस टाइम, एंड अभी ले सकता है, तो आप लोगों के पास एक और अपॉर्चुनिटी होने वाली है इन सारे के सारे आइटम्स को लेने का। एंड अगर कोई भी ऐसा आइटम है जो आप लोग लेने का प्लान कर रहे हो इन फ्यूचर इन क्रेट्स के आने के बाद, तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। आफ्टर दैट गाइस, गन क्राफ्ट ऑप्शन के अंदर अभी हमें सिर्फ दो ही गन्स को क्राफ्ट करने का ऑप्शन मिलता है जो कि S12K की एंड उसके साथ है स्कारल की, बट इन फ्यूचर वहां पे दो और गन सैड होने वाली है जो कि है वेक्टर की गन एंड साथ ही साथ डीपी की, जो कि एक्चुअली काफी अच्छा है जिसमें हम लोग और भी अपने हिसाब से गन्स को क्राफ्ट कर सकते हैं जैसा भी हम लोग चाहेंगे। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हो वो गन्स इस टाइप के कुछ लगने वाली है, दोनों गन्स देख सकते हैं हम। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो कि इनके साथ आने वाली है कुछ स्पेशल क्रेट्स लाइक DP28 की देख सकते हो, जिसके अंदर आप लोगों को मिलने वाले कुछ इस टाइप के आइटम जो कि आप गन के ऊपर स्टिकर्स लगा सकते हो। भाई सीरियसली बता रहा हूं, काफी अच्छी लगी मुझे डीपी वालों की, एंड उसके साथ भी काफी अलग अलग टाइप की स्किन्स आएंगी इसके साथ जो पूरी की पूरी गन का कलर ही चेंज कर देंगे। एंड ये मत सोचना कि यार कुछ भी फ्री में है, भाई पबजी कुछ फ्री में नहीं देगा, आपको सारी की सारी चीजें नॉर्मली जैसे स्कारल में एंड S12K में आपको करना पड़ता है अनलॉक जाके 60 यूसी से, वैसे ही करना पड़ेगा। एंड उसके अलावा भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो काफी अलग अलग टाइप के आपको डिजाइंस मिल जाएंगे, एंड सेम फॉर वेक्टर स्किन, आप लोग देख सकते हो वेक्टर में भी आपको अलग अलग टाइप के यहाँ पे आइटम्स मिल रहे हैं जो कि काफी अच्छे लग रहे हैं। आप लोग वेक्टर के अपनी गन के ऊपर स्टीकर लगा सकते हो, देन आप लोगों को इसके ऊपर के लिए फुली स्किन मिलती है जो कि काफी अच्छी है, मुझे वेक्टर की स्किन एक्चुअली काफी अच्छी लगी, एंड देन उसके ऊपर जो स्कल्पचर्स मिलते हैं वो तो सेम ही लगे मुझे लगभग। सो गाइस, ये कुछ काफी कमाल का सामान आने वाला है
अभी गेम के अंदर। अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट करके जरूर से बताना है। अगर आप लोगों का कोई भी चांस है कि इसको आप लोग अपग्रेड करने वाले हो तो ये भी कमेंट करके जरूर से बताना। सो गाइस आज की वीडियो के अंदर इतनी अपडेट से, अगर वीडियो अच्छी लगी हो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, अप्रिशिएट करने के लिए सब्सक्राइब कर लो यार चैनल पर ऐसी कमाल की वीडियोज देखते रहने के लिए, क्योंकि मैं तो अपडेट्स देता रहूंगा बट आप लोग मिस ना कर दो, इसके लिए सब्सक्राइब करना काफी जरूरी है। चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रॉम स्टेंगो, बाय बाय।